फोड़ा पड़े से निकालते हो भाई, ब्रांड का नाम है अमेरिकन ट्विस्टर। क्या कलर का पूरा बैकपैक देखने को मिलता है, अमेरिकन ट्विस्टर का टैग मिल जाएगा। विराट कोहली भैया 49 शतक, प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई 4,200 रुपए, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितना पे करना है। पूरा बैग आपको पॉलिएस्टर मटेरियल का देखने को मिलता है, हल्की हल्की ना अलग तरह से नीटिंग की गई है। फ्रंट आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर पूरी आपको डेप्थ मिलेगी, और अंदर मिलता है आपको ब्लू कलर का पूरा लाइनिंग का काम। ऊपर में आपको अमेरिकन ट्विस्टर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऊपर में भी आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा इनकेस आपको छोटी मोटी एक्सेसरीज, पेन पेंसिल कुछ भी रखना हो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी अगर इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात करें, जहाँ पर आपको डुअल चेन मिलने वाला है और हर चेन की क्वालिटी अच्छी है, हर चेन पे आपको अमेरिकन ट्विस्टर की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। चेन बहुत स्मूथली खुलेगा और अंदर में आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप इस बैग का पूरा डेप्थ यूज कर सकते हो। बाकी अगर इसके मेन कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े, यहाँ पर भी आपको डबल चेन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको मिलता है वेल पैडेड एक लैपटॉप स्लीव, इसके ऊपर एक प्लास्टिक वाला स्ट्रैप दिया गया है। अंदर में यहाँ पर भी आप पूरा डेप्थ यूज कर पाओगे एंड ओवरऑल स्पेसिंग काफी ज्यादा अच्छी है। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको वेल पैडेड पूरा मेश का काम देखने को मिलता है, शोल्डर स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर भी आपको मेश देखने को मिलता है। एक शोल्डर स्ट्रैप पे आपको अमेरिकन ट्विस्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की गई है। लेकिन देखो यूं ही ये मेरा पहला बैकपैक नहीं है इस वीडियो का, इसके स्ट्रैप की जो क्वालिटी है, जो फीचर है ना, आपको किसी बैकपैक में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक्टम सस्पेंशन, देखने में देखो ये आपको एक नॉर्मल सा शोल्डर स्ट्रैप देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर में एक अजीब चीज क्या है कि यहाँ पर इसे कवर किया गया है। ये कवर क्यों है, अगर यहाँ पर मैं इसे स्ट्रैप को खींचू ना तो ये निकलेगा और छोड़ूंगा तो वापस से घुस जाता है, यानी इसमें एक ना स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा डाला गया है। तो आप जब भी इसमें वेट डालकर कैरी करोगे ना इसे, ये ऑटोमेटिकली वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको हल्का फील करवाएगा। बाकी अगर इसके बकल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है, यहाँ पर नीचे आपको एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिल जाएगा जहाँ पर आपको मिलेगा इसका रेन कवर, प्रॉपर अच्छा एंड ब्लू कलर का है विद द अमेरिकन ट्विस्टर ब्रांडिंग। ऊपर में आपको एक हैंडल मिल जाएगा, साइड साइड में आपको बोतल कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। देखो इस बैकपैक को अगर एक वर्ड में कहे ना, एक परफेक्ट बैकपैक है, जहां पर आपको अच्छा कंपार्टमेंट मिल रहा है, अच्छा चेन मिल रहा है, अच्छी स्पेसिंग मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है एंड ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिल रहा है। साथ ही इसमें आपको वर्ल्ड वाइड 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बैकपैक आगे हमारे पास में फड़ावड़े से निकालते हैं और इस ब्रांड का नाम है भाई आर्टिस्टिक्स। हम हर महीने आपके लिए एक बैकपैक की वीडियो लाते हैं जहां पर आपको जितने भी अच्छे अच्छे बैकपैक्स होते हैं ना, यूजुअली वो अमेज़न पे मिल रहे होते हैं, तो वो सारे बैकपैक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं। तो मेक श्योर ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर का बैकपैक है और एक वर्ड में कहें ना तो मोस्ट मिनिमल फ्यूचरिस्टिक बैकपैक मुझे लगता है। आर्टिस्टिक्स का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई भाई 3,899 तक आपको पे नहीं करना है। पूरा बैकपैक देखो पॉलिएस्टर मटेरियल का बनाया हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। पूरे फ्रंट वाले पार्ट पे ना आपको एक पीयू या रबर टाइप की कोटिंग देखने को मिलती है जिससे ये बहुत हद तक अंदर रखे हुए सामान को ना वाटर से बचा लेगा। फ्रंट में आपको आर्टिस्टिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट वाला कंपार्टमेंट खोलते हैं, अंदर में आपको बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा बॉक्स जैसा पॉकेट है जिनकी क्वालिटी अच्छी और ग्रिप पे आपको ब्रांडिंग में मिल जाएगी। ठीक इसके अगर ऊपर आए तो यहाँ पर भी आपको एक जिप देखने को मिलता है, इसको खोलते साथ पहले आपको एक की होल्डर देखने को मिलेगा और इस वाले चेन के अंदर आप इस बैग का पूरा डेप्थ यूज कर सकते हो। अंदर में आपको मल्टीपल नेट वाले पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक उसके ऊपर आपको एक और चेन मिलेगा जिसको खोलोगे तो अंदर में आपको एक छोटू सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा और स्पेशली इस कंपार्टमेंट को सनग्लासेस रखने के लिए बनाया गया है, बाकी आप रखना चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। एक साइड में आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप इसके मेन कंपार्टमेंट को खोलोगे यहाँ पर आपको डबल चेन का साथ मिल जाएगा। ये बैकपैक भाई पूरा सूटकेस जैसा खुलता है और अंदर में आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। एक तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको और मल्टीपल पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, नेट वाले भी हैं और उसके बैक में भी हैं। एक बड़ा सा आपको वायर देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का वायर है, यहाँ पर अपना पावर बैंक कनेक्ट करो और बाहर से चार्ज कर सकते हो। बाकी एक टैबलेट के लिए स्पेस मिलेगा, एक लैपटॉप के लिए स्पेस मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर 15-16 इंच तक के लैपटॉप ना आराम से चल जाएंगे। आर्टिस्टिक्स की पूरी अंदर में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऊपर में आपको एक वेल पैडेड हैंडल देखने को मिल जाएगा और बैक की बात करें पूरा मेश का काम मिलता है। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, चौड़ी है और वेल पैडेड है। एक स्ट्रैप में आपको आर्टिस्टिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और दूसरे स्ट्रैप में आपको एक छोटू सा चेन भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आप कुछ कॉइन या अपना मेट्रो कार्ड या कोई चिल्लड़ विल्लड़ कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। लेकिन बैक की तरफ ना एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। ये बैकपैक ट्रोली कंपैटिबल भी है एंड ओवरऑल वापस से कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा मिनिमल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लगती है इस बैकपैक की और ये आपको अमेरिकन ट्विस्टर से सस्ता मिलेगा, 1,700 रुपए के आसपास का है। नेक्स्ट वाला जो बैकपैक है भाई वो इस वीडियो का सबसे सस्ता लेकिन सबसे जबरदस्त बैकपैक है। ब्रांड का नाम है गियर और ये एक ऐसा ब्रांड है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बैकपैक यूज करते हुए देखा है। इस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। देखो मेरा सीधा मोटिव है आपको हेल्प पहुंचनी चाहिए, दैट्स इट। यहां पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई 1,699 रुपए, आपको पे
नहीं करना। अगर बैकपैक की बात करें, ब्लैक कलर का अगेन बैकपैक है। देखो मेरा ऐसा कहना है, ब्लैक कलर इज द मोस्ट वर्सेटाइल कलर। ये सिर्फ ब्लैक नहीं है बल्कि पूरे ब्लैक फैब्रिक पे आपको केमो डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, फटाफट कंपार्टमेंट में आते फ्रेंड, में आपको एक ऐसा ना स्ट्रैप जैसा मिल जाएगा जहां पर आपको गियर की ब्रांडिंग मिलेगी ऑरेंज कलर की। ये थोड़ा कीचेन जैसा दिखता है, इसको खोलोगे यहाँ पर आपको एक छोटू सा नहीं बल्कि ये जितना पार्ट देख रहे हो ना इतना बड़ा आपको स्पेस यहाँ पर एक्सेस देगा। ऊपर में आपको एक और रबर पैच देखने को मिल जाएगा, नीचे थोड़ा सा पीयू का काम किया गया, थोड़ा लेदर जैसा लगता है, अच्छा लगता है। ऊपर में आपको एक और पैच देखने को मिल जाएगा। बाकी ठीक इसके बैक वाले कंपार्टमेंट की बात करें तो चेन की क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा अच्छी है। एक दो पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पेन होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आप पूरा डेप्थ यूज कर पाओगे इसका। दो चेन इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एक हैंडल देखने को मिलता है और इसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे इसके मेन कंपार्टमेंट पे। मेन कंपार्टमेंट के अंदर में आपको लैपटॉप स्लीव तो मिलता है लेकिन यहाँ पर जीरो पैडिंग का यूज किया गया है। इस डेप्थ को आप पूरा अच्छे से यूज कर सकते हो। बैक की अगर बात करें तो नॉर्मल आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, वेल पैडेड है, मेश का बना हुआ है। इसका बैक भी पूरा मेश का बना हुआ है, हार्ड प्लास्टिक का। इसमें आपको बगल देखने को मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। नीचे में आपको एक चेन मिलता है, जबरदस्त बात क्या है ना, इसके साथ आपको एक रेन कवर भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस के लिए वेट करना क्योंकि इसमें आपको शॉक लगने वाला है। साइड में आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा और दूसरे साइड में ना आपको एक रैप वाला पॉकेट देखने को मिलता है जिसकी डेप्थ भी अच्छी खासी है और थोड़ी मोड़ी जो चीजें होती है ना जो बहुत रेगुलर यूज के लिए होती है, तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पर रख सकते हो। पहनने के बाद भाई बैकपैक बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और सीधी बात में कहूँ तो एक वेल बिल्ड बजट फ्रेंडली खूबसूरत बैकपैक है जिसके साथ रेन कवर भी आता है और ये बैकपैक आपको महज 600 रुपए के आसपास में मिलेगा। नेक्स्ट जो बैकपैक है भाई वो वन ऑफ द प्रीमियम बैकपैक है इस पूरे हॉल का। वैसे प्राइसिंग उतनी भी ज्यादा नहीं है। ब्रांड का नाम है भाई कार्बोनाडो। जिन लोगों को नहीं पता इनके बैकपैक बहुत अच्छे होते हैं, बट वो ब्रांड स्पॉन्सर करेगी तो एक चीज कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे सच बोलने देना, ऐसा लगता है ना कि ट्रांसफॉर्मर्स का बैकपैक मैंने ले लिया, बहुत ज्यादा कूल लगता है। बड़ी से आपको कार्बोनाडो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्राइसिंग आप लिखी हुई 3,490 रुपए, लेकिन कितना आपको पे करना वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में देखो कि ना तो आपको एक हार्ड केस जैसा देखने को मिलता है, जैसे हमारे ट्रोली बैग्स कैसे होते हैं हार्ड केस वाले, वैसा यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है। कार्बोनाडो की आपको साइड में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे भी आपको इसकी ब्रांडिंग मिलती है जो कि एक्चुअली रिमूवेबल है। मोस्टली यहाँ पर आपको पॉलिएस्टर का ही काम मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी फैब्रिक इसमें यूज किया गया है। फ्रंट वाला अगर हम फटाफट चेन खोलते हैं तो अंदर में भाई आपको बहुत सारे स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको हेडफोन के लिए अलग से स्पेस दिया गया है जिसमें एक्चुअल आप हैंग भी कर सकते हो अपना हेडफोन। मल्टीपल यहाँ पर आपको और नेट वाले पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर एक आपको जिप मिलता है जिस पर आपको प्रॉपर स्पेस देखने को मिल जाएगा। एक की होल्डर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आप पूरा डेप्थ यूज कर सकते हो अच्छा खासा। डबल चेन का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक उसके ऊपर आपको एक और छोटू सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कार्बोनाडो की ब्रांडिंग मिलती है। ये छोटू सा पॉकेट आपके सनग्लासेस को रखने के लिए है और अंदर का भी जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा अलग थोड़ा सा स्मूथ है ताकि आपके ग्लासेस को स्क्रैच ना आए। ऊपर में आपको एक प्रीमियम लेदर रैप्ड हैंडल देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा हैंडल है। और ठीक उसके बाद अगर आप जाओगे तो सीधा पहुंच जाओगे आप इसके मेन कंपार्टमेंट पे जिसको सिक्योर किया गया साइड साइड के इन बकल से। तो फटाफट बकल को खोल लेते हैं। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बड़ा से बड़ा गेमिंग लैपटॉप आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा जो कि दोनों तरफ से डिटैच होता है। उसके ऊपर आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पर भी आप एक लैपटॉप रख सकते हो, इतना बड़ा स्पेस है। साइड में आपको एक और कंपार्टमेंट मिल जाएगा, उसके नीचे आपको दो छोटे छोटे पैडेड कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर में आप ये जो जिप वाला कंपार्टमेंट देख रहे हो ना ये RFID प्रोटेक्टेड है। ये एक तरह का ना समझ लो कि स्कैम जैसा होता है, यहाँ पर लोगों के ना डिटेल्स चोरी किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अलग से गूगल में जाकर सर्च कर लेना। एक्चुअल देखोगे ना तो अंदर में आपको एक अलग सा मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि इसे RFID प्रोटेक्टेड बनाता है। बाकी अगर इसके बैक में देखोगे तो भाई खतरनाक साइज का लुक है। थोड़े चौड़े आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा और सारे स्ट्रैप को ना अपने शोल्डर के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और एक्चुअल यहाँ पर ना अलग सा फोम यूज किया गया जिसको प्रॉपर दिखाया गया नेट के थ्रू। बैक में भी आप ये पूरा फोम देख सकते हो। कार्बोनाडो की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और छोटे छोटे और बहुत सारी चीजें, बगल बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको एक छोटा सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा जिसको खोल लोगे ना तो ये एक बोतल होल्डर बन जाता है और इस तरह से बनाया गया कि खोलते साथ आपको कोई सामान गिरेगा नहीं। पर आपको डबल केबल देखने को मिलता है, USB भी है, Type-C भी है इसमें। तो बाहर की तरफ आप देखोगे ना तो आपको एक ढक्कन जैसा बस खोलना है, अंदर में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी इन आउट की। भाई जबरदस्त चीज है, जबरदस्त बैकपैक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, कंफर्टेबल, फ्यूचरिस्टिक और लड़कों को ललचाने वाला बैकपैक लगता है। इस प्रीमियम बैकपैक के लिए आपको 3,000 रुपए के आसपास का पे करना है। ऑलराइट, ब्रांड का नाम है भाई कॉस्मोस, एक और बहुत फेमस ब्रांड। जैसा गियर वाला हमने देखा, ब्लैक कलर का पूरा बैकपैक है। मैंने पर्सनली जानबूझकर ये कलर चुना है क्योंकि मुझे ये कलर पसंद है बैकपैक में। पूरा पॉलिएस्टर का आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का है। फ्रंट में आपको चेन देखने को मिलता है। ये हमारा पहला कंपार्टमेंट है जहां पर आपको पूरा नीचे तक डेप्थ मिलेगा। अंदर की लाइनिंग की क्वालिटी अच्छी है। ऊपर में आपको कॉस्मोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ठीक उसके ऊपर में आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है जहां पर आप जो चाहे रख सकते हो। उसके पीछे आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जहां पर आपको सिंगल जिप मिलता है। अंदर में प्रॉपर स्पेस दिया गया है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, पेन होल्डर्स बनाए गए हैं। अंदर में एक और आपको जिप कंपार्टमेंट मिलता है जहां पर छोटू सा
स्पेस दिया गया, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। दोनों साइड में आपको बोतल या अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक साइड में आपको यहाँ पर बोतल का साइन नहीं देखने को मिलता और एक अलग से ना लास्टिक डाला गया ताकि आप अपने बोतल को ऐसा करके फंसा सको। ऊपर में आपको एक अच्छी क्वालिटी का हैंडल देखने को मिल जाएगा। मेन कंपार्टमेंट में आपको ड्यूल चेन मिलता है, सारे जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और सब में आपको कॉस्मोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मेन कंपार्टमेंट के अंदर में आपको एक लैपटॉप स्लीव देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इसमें पैडिंग नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा और प्रॉपर इसमें आप अच्छा खासा डेप्थ यूज कर सकते हो। बैक की अगर बात करें तो दोनों स्ट्रैप में आपको अच्छी खासी पैडिंग तो मिलती है, लेकिन बैकपैक के बैक वाले पार्ट में ना आपको कोई भी यहाँ पर पैडिंग नहीं मिलेगी। एक में आपको कॉस्मोस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बैकपैक आपको भाई 1200-1300 रुपए के आसपास का मिलेगा। देखो एक वर्ड में कहें, बैकपैक बहुत ज्यादा ना सिंपल बनाया गया, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। और कमियों की बात करें तो बस मेरे को अंदर की जो फैब्रिक है ना वो उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं लग रही, लेकिन ओवरऑल बैकपैक ना भाई अच्छा डिजाइन लग रहा है। अगर आप स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए सिंपल बैग चाहते हो ना, इसके लिए जा सकते हो, ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे आपके। लास्ट बैकपैक आ गया हमारे पास, फटाफट से निकाल दो। और इस वाले ब्रांड का नाम है रवॉक। रवॉक की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी यहाँ पर आपको मिलती है, पता नहीं कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं। अगर कलर की बात करें, एक बहुत खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर का बैकपैक है, पूरा बैकपैक अगेन पॉलिएस्टर का बना हुआ है। ऊपर में आपको रवॉक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक स्ट्रैप के थ्रू यहाँ पर दी गई है और नीचे में भी आपको एक स्ट्रैप मिलता है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है रवॉक 30, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहो ना इन स्ट्रैप को यूज करके आप चाहो तो कुछ रख सकते हो, मे बी ट्राइपॉड या मे बी कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। नीचे में आपको एक छोटा सा हुक मिल जाएगा इन केस अगर आपको कुछ हैंग वैंग करना है तो। एक्चुअल अगर कंपार्टमेंट्स की बात करें तो फ्रंट में आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसको खोलोगे तो अंदर आप पूरा नीचे तक डेप्थ यूज कर पाओगे। जिप की क्वालिटी अच्छी हैवी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती। ऊपर वाला फर्स्ट कंपार्टमेंट खोले, यहाँ पर आपको पूरा नीचे तक डेप्थ यूज करने को मिलेगा। जबरदस्ती यहाँ पर आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं देखने को मिलते, फटाफट चेन को बंद करते हैं और बैक की तरफ आए। फुल पैडेड पूरा मेश का काम देखने को मिलता है बैक में, स्ट्रैप में भी देखने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है भाई, सॉफ्ट भी है। आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा, इन स्ट्रैप को आप अपने हिसाब से चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो। रवॉक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बगल्स की क्वालिटी अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी मोटी नहीं है। नीचे की तरफ आपको छोटे छोटे ना प्लास्टिक के पीसेस देखने को मिलते हैं, इसको आप लेग्स भी बोल सकते हो। नीचे का जो पार्ट है ना जल्दी से घिसता फटता नहीं है। ओवरऑल बैकपैक बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। और इसकी प्राइसिंग है 1000 रुपए के आसपास। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।